सर, ये है काली पहाड़ी। चलो। यह इलाका पूरा नक्सलियों का है। अच्छा अच्छा, काली पहाड़ी कहते हैं सर। अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया लेकिन। हाँ ठीक है, लेकिन कब तक भागेंगे ये लोग? दादा, पुलिस का कोई भरोसा नहीं, कब सूंघते हुए यहाँ जाए। हमने भी कोई हाथों में चूड़े नहीं पहन रखी, हरामजादे का टेटवा दबा देंगे। साथियों, मैं पुलिस से नहीं डर रहा हूं, कहीं हमारा मकसद अधूरा ना रह जाए, वरना ऊपर जाकर हमारे साथियों को क्या जवाब दूंगा जो बेमौत मारे गए हैं। बेमौत आप टेंशन मत लो दादा, हमारा दूसरा पार्टी अध्यक्ष गणपत राव, जिसने पुलिस की मदद से हमारे परिवार को जिंदा जलवा दिया। दादा, एक एक को गिन गिन के मारेंगे, गिन गिन के मारेंगे। तो मैं क्या गणपत राव को जिंदा छोड़ दूंगा? इसी जंगल में गणपत राव की एक एक बोटी बोटी काट काट के फेंकूंगा। भेरू और फुलिया, जी दादा, तुम दोनों गांव वाले बनकर जाओ और कहीं सुरक्षित रहने का इंतजाम करो। जी दादा। कुछ खाने का जल्द, भूख लग रही है। तुम्हें जो खाना है वो लेकर आ जाना, मेरी भूख तो उसी दिन मिटेगी जिस दिन गणपत राव का खून पीऊंगा। खून, जाओ। जी देख यार, जल्दी चलो, चल जल्दी निकल, बच गया साला, तेरा निशाना चुक गया फिर से। चलिए सर, आज पंचवटी में ही चलते हैं, वहीं एंजॉय करेंगे। लीजिए फोन। अरे यार उसका फोन मत उठाना, ठीक है? नेता भोपाल फोन कहाँ है, नहीं उठा रहा। फिर कोई ना कोई उल्टा काम करने का बोलेगा। मंत्री जिस व्यक्ति की वजह से पार्टी बदनाम हो रही, इसने कई व्यक्तियों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। अरे उसने इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, यदि उसके घर सीबीआई यदि बैठ गई ना तो सारी उम्र जेल में बिताएगा। ऐसे लोगों के लिए तो जेल भी अपने घर जैसा है, क्या फर्क पड़ता है? अरे ये जेल वेल जाने वाला नहीं है, इसने इतने लोगों से दुश्मनी ले रखी है, पता नहीं कौन कब इसे उल्टा टांग देगा। उसका काम कैसा है पता तुम लोगों को? पैसा फेंको तमाशा देखो। जब पाप का घड़ा भरता है ना तब कोई नहीं बच पाता है। यह बात तो सही है नेताजी कि आदमी करता पहले है और सोचता बाद में है ना। जी फिर फोन आ गया, बात कर लो नहीं तो बार बार फोन लगाएगा। गणपत राव जी नमस्कार। अरे वो तो सब ठीक है, जगदलपुर से जो नक्सली भागे हैं ना उनको पुलिस से ढूंढवाओ। शंकर दादा और उसके साथी बचना नहीं चाहिए, समझे? शंकर दादा कहाँ तक भागेगा इसे तो मैं देख लूंगा। हम भी पार्टी अध्यक्ष गणपत राव हूँ। गणपत राव, गणपत राव, यंत्री मंत्री संतरी पुलिस सब मेरे हुक्म के गुलाम है। गणपत राव, गणपत राव। सर, जब तक शहर से क्राइम को मिटाया नहीं जाता तब तक गुनहगार तो बढ़ते रहेंगे। गुनहगार तो हर एक फील्ड में पैदा हो रहा है। शहर में स्मगलिंग, ड्रग डीलिंग और मर्डर के रेट पिछले साल से बढ़ते जा रहे हैं। आनंद, तुमको जितने पुलिस फोर्स चाहिए वो अपॉइंटमेंट करो। तुम्हें गुनहगार का खात्मा करते वक्त मेरे परमिशन की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो ठीक लगता है वो तुम करो। थैंक यू सर। मैं होम मिनिस्टर सर से बात करके शहर के लिए और पुलिस फोर्स की डिमांड रखता हूँ। जैन सर, मुझे और पुलिस फोर्स चाहिए। ओके एसीपी, लेकिन मुझे क्राइम मुक्त सिटी चाहिए, समझे? टेक केयर। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर, जब तक शहर से क्राइम मिट नहीं जाता मैं चुप नहीं बैठूंगा। आई मेक श्योर आई विल गिव यू रिजल्ट। आई ट्रस्ट यू 100%। काम पे लग जाओ। ठीक है सर, चलते हैं। जय हिंद। कहाँ ले जा रहे हो रे भाई? क्या ले जा रहे हो बाबा? कहाँ लाया भाई, कहाँ बिठा दिया मुझे? अरे फुलिया, कौन है, कौन किसको पकड़ रहा है? ये पास के गांव का है। इसकी पट्टी खोल पट्टी, हम भी तो देखे इस कार्टून को। अरे आप कौन लोग हैं? ये क्या? अरे तू बता, तू कौन है? अरे दादा, मैं तो गांव को अंबुड़ा हूँ। आप कौन है? अंबुड़ा। ये कैसा नाम है अंबुड़ा? अरे साले तू तो जवान है, बूढ़ा कब से हो गया? माई बाप, आखो गांव हमारे अंबुड़ा के नाम से जाने। हूँ बड़ी काम की चीज, पर पैसा वगैरह तो हूँ। काम तो तुझे करना होगा अंबुड़ा, वरना नहीं। बजरंगी नहीं, आज के ज़माने में इंसानियत बची कहाँ है। हर काम पैसे से होता है। अंबुड़ा, तुझे पैसा मिलेगा। इसको सब समझा दिया है ना? जी दादा, सब समझी गए। और तुम्हारो काम तो हो ही गया। यहाँ बाजू में जटा शंकर को मंदिर है, वहाँ पर तुम्हारो सारो खाओ पीवा को सबको इंतजाम कर ही दूंगा। तुम तो हमारा रिश्तेदार जैसा हो। जब तक कहीं वहाँ पर हम पे हमला हुआ तो हम सब पकड़े जाएंगे। कोई नहीं पकड़ पाएगा, हम वहाँ पर अंबुड़ा के रिश्तेदार बनकर जाएंगे। वाह वाह, धन हुई गयो, तुम्हारा जैसा रिश्तेदार बनेंगे। अंबुड़ा, तू तो गयो काम से। मेरो, इन सब बंदूकों को इकट्ठा खोद कर गाड़ दो। जी दादा। लगता है रास्ता भटक गया, तभी भोले की शरण में आया। बम बम जैसी भोले की इच्छा, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले। पंद्रह दिन हो गए, पुलिस का पहरा अभी तक नहीं हटेगा। दादा हटेगा, पुलिस का पहरा भी हटेगा, तभी तो हम उस गणपत राव को उठा पाएंगे। वो आ गया रंगीला, फिर दिमाग खराब हो गया। सबका सब कहीं मजा नहीं दिया हो। हेलो, कौन? मोहन बीड़ी पी रही है? अरे बीड़ी को छोड़, सिगरेट को अपना। टीवी थारे कदमों में होगी, तू हॉस्पिटल का बादशाह होगा और नर्सें तेरे आसपास होगी। पार्टी अध्यक्ष कुछ करिए, इधर शंकर लाल और उसके परिवार ने काफी अत्याचार किया, वो लोग जंगलों में भटक रहे हैं, भूख के प्यास के मारे तरस रहे हैं। सर कुछ करो सर। पार्टी अध्यक्ष का हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए? वो पार्टी अध्यक्ष है, पार्टी अध्यक्ष का कोई कुछ कर सकता है? बताइए सर क्या कर सकते हैं उसका। लेकिन उसका कुछ तो करना पड़ेगा ना। फिर निकालिए, हम क्या करेंगे, क्या करना है, क्या करें? मीटिंग में डिसाइड करो फिर क्या करना है उसको। तो अभी तो किसी को दे ही नहीं रहा है ना, आप जानते हो किसी की बात मानता कहाँ है पार्टी अध्यक्ष। क्या कर सकते हैं इसका हम? काफी देर हो गई दादा, भेरू नहीं आया। खाता होगा वो आ गया। बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। इंस्पेक्टर राठौर एक लड़की माया के चक्कर में पड़ा हुआ। माया? अबे कौन सी माया? पास के गांव की बड़ी चालू चीज है। रो तो सब ठीक है, पर उसके साथ आदमी कितने? वही पांडे मिश्रा जो कुत्ते की आवाज से डर जाते हैं। दादा मैं तो कहता हूँ करण राठौड़ को गेस्ट हाउस में निपटा देते हैं। खेल खत्म। नहीं बजरंगी नहीं, करण राठौड़ को मारने से हमारा मिशन पूरा नहीं होगा। हमारा टारगेट तो सिर्फ गणपत राव है। गणपत राव दादा, हमने अपनी जान दाव पे लगा रखी है। जान की परवाह कौन करता है फुलिया भाई? पुलिस का पैर हट चुका है। मैं तो कहता हूँ गणपत राव को घर से उठा लेते हैं। तो जाओ दोनों, और खाली हाथ मत आना। तो बताओ अपना अर्जेंट काम। मगर हाँ, एक बात और जान लो, मैं इस शहर का एसीपी हूँ। मेरे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे कॉल ना करो, मगर मैं अर्जेंट बुलाना। आज मेरे पास टाइम था कि मैं आ गया। कभी मैं बिजी भी रह सकता हूँ। आई एम सॉरी, बट मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मुझे मेरे आई लव यू का जवाब चाहिए। कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो बिना बोले ही समझे जा सकते हैं। मुस्कान, या तो तुम समझ नहीं पा रही हो या जानकर भी अनजान बन रही हो। अच्छा एक बात बताइए, गुनहगार चाहे जितना भी बड़ा हो, क्या बिना सबूत और गवाह के आप उसे अरेस्ट कर लेंगे? नहीं, सबूत और गवाह के बिना पर ही सच्चाई सामने आती है। हाँ, तो वैसे ही जैसे बिना सबूत और गवाह के मुजरिम आपका गुनहगार नहीं होता, वैसे ही बिना आई लव यू के जवाब के आपको प्यार का साबित नहीं होता। आपने तो मुस्कान मुझे मेरे ही जाल में फंसा दिया। सर, इस जंगल में शंकर दादा और उसके आदमी छुपे हुए हैं। जंगल काफी खतरनाक है। हम गाड़ी से यहाँ नहीं जा सकते। हमें घोड़ों का सहारा लेकर इस जंगल तक घुसना होगा। सर, ये जंगल खतरनाक है और इसमें शेर, चीते वगैरह सब हो सकते हैं। हम जान जोखिम में डाल रहे हैं। हमें सीरियस लेना चाहिए। सर, हमें पुलिस फोर्स साथ में लेना चाहिए, क्योंकि जंगल में जंगली जानवरों का खतरा है। और अगर शंकर दादा ने हमला कर दिया तो हमें कोई नहीं बचा पाए। मैं अपनी जान हथेली पे लेकर आया हूँ। मरने से नहीं डरता हूँ। अगर हमारी ये कोशिश कामयाब हो गई तो कितनों की जान बचेगी। आपको पता है, शंकर दादा नक्सली बने तो उसका कोई कारण है। आप और हम। अगर ऐसी बात है तो हम भी आपके साथ आते। जो होगा देखा जाए। हम आपके साथ चलिए। शंकर दादा किधर छुपे हो? बाहर आ जाओ, हम आपसे मिलने आए हैं। ये नेता मंडी यहाँ जंगल में क्या करने आई है? दादा आओ, हम तुमसे मिलने आए हैं। शंकर दादा किधर हो? शंकर दादा किधर हो? कहीं कोई साजिश तो नहीं रच रहे हो तुम लोग? नहीं शंकर दादा, आपसे हमें बहुत जरूरी बात करना है, हम आपको वापस लेना आए हैं। आपके साथ जुल्म अत्याचार जो भी हुए उनको भूलकर आप हमारे साथ चलो। आप अपना सारा बदला भूलकर हमारा साथ चलिए शंकर दादा। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, कानून से लेकर राजनीति तक। किस कानून की बात कर रहे हो नेताजी? उस दिन कहाँ गया था आपका कानून, आपकी राजनीति? उस दिन तुम्हारी राजनीति गणपत राव के सामने सब फेल हो गई थी। मेरे परिवार को उस हरामखोर ने जिंदा जलाया था। और रही बात मेरे मकसद की, तुम लोग याद रखना, इसी जंगल में उस गणपत राव को जिंदा जलाऊंगा, जिंदा। यह शंकर दादा का वादा है तुमको। आप लोग आए मेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जा सकते हो। बजरंगी से मारो, इसके शरीर से खून की धारा बहनी चाहिए। आया मजा गणपत राव, आज तुझे पता लगेगा दर्द क्या होता है। बजरंगी भाई, खून पीने वाले को दर्द कहाँ होता है, इन्हें तो मजा आता है, मजा। हम तुझे एक मौका और देते हैं गणपत राव। ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ शंकर दादा, कि तुम मुझे जिंदा तो नहीं छोड़ोगे, क्योंकि मेरे गुनाह इतने हैं कि मैं किस किस से माफी मांगूं। तुझे तो माफी मिल ही नहीं सकती, फिर भी हम तुझे एक मौका देंगे। बोल, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? तेरे नाम का अर्थ जानता है? अगर मालूम होता तो आज इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। शंकर अर्थात सत्य, जीवन देने वाला, माफ करने वाला, और यहां तो सब उल्टा हो रहा है। अरे तेरा नाम तो शंकर नहीं रावण होना चाहिए था, रावण। बाबा हमने अपनों को खोया है, इस गणपत राव की वजह से हम इस जंगल में भटक रहे हैं और इसने हमें नक्सली नाम दिया है, नक्सली। वाह, सबके दिल मन में बदलेगी भावना जल गई। मार डालो इसे, बदला पूरा हो जाएगा। बम बम भोले, भोले की शरण में रहने के बाद भी कुछ नहीं सीख पाए। बम बम भोले। बाबा मुझे माफ कर दो, बाबा मुझे माफ कर दो, बाबा बाबा मुझे माफ कर दो। मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था बाबा। मैं जानता था पर मैं इनके सुधरने की राह देख रहा था। जब ये सुबह शाम ओम नमः शिवाय का जाप जपते थे तो मुझे बड़ा आनंद मिलता था, पर नहीं, मैं गलत था। मुझे नहीं मालूम था कि इनके मन में कपट भरा है, बदले की भावना भरी है। मार डालो इसे, ले लो अपना बदला पूरा। पर किसी मंदिर या किसी पवित्र स्थान की दहलीज पर कदम मत रखना, नहीं तो तुम जैसे बदनाम लोगों से वो पवित्र स्थान भी बदनाम हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। बम बम भोले, बम बम भोले। बजरंगी छोड़ दो इसे। शंकर दादा मुझे माफ कर दो। बजरंगी दादा चलो।